हाय गाइस, स्वागत है एक अनदर व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है महेंद्र और आज मैं यहाँ जोधपुर में सिद्धनाथ महादेव जी का जो मंदिर है वहाँ पे जा रहा हूँ। और अभी मैं दोपहर का समय है और यहाँ पे पहाड़ों के बीच से होते हुए मैं एक कच्चे रास्ते से जा रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी दूरी यहाँ पे एक मुझे पक्की सड़क मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये मैं जंगलों में से होते हुए जा रहा हूँ और अभी यहाँ पर थोड़ी दूर ही मुझे मेन सड़क मिलने वाली है और उस सड़क के माध्यम से मैं वहाँ सिद्धनाथ टेम्पल ऊपर जाऊँगा। तो आप इस पूरे ब्लॉग को देखिए और इन्जॉय कीजिए कि सिद्धनाथ महादेव मंदिर में अभी कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे हो रही है और कैसा वहाँ का खूबसूरत नज़ारा है। सो गाइज, अभी मैं फाइनली सड़क पर पहुँच चुका हूँ। मैं जंगल के रास्ते से आया था, मतलब काफ़ी झाड़ियाँ थी। सो मैं भी फाइनली यहाँ पे सड़क पे पहुँच चुका हूँ और अभी यहाँ से काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी तब हम वहाँ सिद्धनाथ मंदिर पर जा पाएंगे। और गाइज, इन दिनों अभी जोधपुर में कर्फ्यू लगा हुआ क्योंकि कुछ दंगे हो गए थे हिंदू मुसलमानों धर्म को लेकर। सो अभी इसलिए मैं घूमने आया था कि सिद्धनाथ मेरे रूम से काफ़ी नज़दीक है और ये एक अच्छा दर्शनीय स्थल है, पहाड़ है और काफ़ी यहाँ पर एक कायलाना झील जो है वो उसके नज़दीक से होकर गुजरती है। तो काफ़ी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं और ठंडक का एहसास है, गर्मियों का सीजन चल रहा है। तो गाइज वहाँ पे हम चलते हैं, आप इस पूरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि वो सिद्धनाथ टेम्पल है, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ अभी भजन कीर्तन भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर नीचे का दृश्य है, ये पानी की झील है जो कायलाना झील से आती है और देख सकते हैं कि ये काफ़ी पहाड़ है, काफ़ी सुंदर जगह है। अभी दोपहर का समय है और ये एक वाटर के लिए सप्लाई के लिए बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये है सिद्धनाथ मंदिर। सो गाइज, अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ सिद्धनाथ मंदिर के ऊपर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे सीढ़ियों के माध्यम से जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ है, लगभग 1000 या 2000 सीढ़ियाँ है। तो मैं इस पर अभी चढ़ूँगा। ये यहाँ का दृश्य है, सबसे ऊपर है मंदिर और ये झील है पानी। और अभी यहाँ पर ठंडी ठंडी ताज़ी हवाएँ भी चल रही है और दोपहर का समय है। तो गाइज, अभी मैं थोड़ा सा थक गया था इसलिए यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। यहाँ पे कुछ बंदर भी बैठे हुए, आप देख सकते हैं, ये मंकी जी है यहाँ पे बैठे हुए हैं और रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि धूप है अभी काफ़ी। ये पानी के पास बैठे हुए हैं और पानी के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था भी की गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ मटकियाँ वगैरह, ठंडी मटकियाँ रखी गई है और यहाँ पर बंदर वगैरह, उनका एक झुंड है वो बैठा हुआ है, वहाँ पर भी बैठा हुआ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा थक गया था, अभी मैं आगे जाऊँगा। सो गाइज, अभी मैं दर्शन करके आ गया था सिद्धनाथ टेम्पल से। आप देख सकते हैं कि यह है सिद्धनाथ टेम्पल। यहाँ पे अभी कोई कथा और ऐसा कुछ भजन कीर्तन चल रहा है। गाइज, मैं सिद्धनाथ से नीचे उतर गया था और अभी मैं बाई वॉक से ही, मतलब रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, पैदल वॉक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से वीरान है, बहुत कम ही यहाँ पे व्हीकल भी चलते हैं और मोटरसाइकिल और ये जो भी होते हैं, बहुत कम यहाँ पे परिवहन का आवागमन है और मैं अकेले ही चलते जा रहा हूँ। अभी धूप भी है लेकिन मैंने कैप लगा रखी है तो मतलब मेरा ब्लड सर्कुलेशन है वो चल रहा है, इसलिए मुझे इतनी मतलब गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा है और अभी 2 बजे हैं। तो गाइस, मैं अभी यहाँ पर चल रहा हूँ और मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैंने देखा था एक बार कि कायलाना जो झील है जोधपुर के, कायलाना लेक, वहाँ से ये रास्ता जाता है। तो मैं बस चलते जा रहा हूँ।
गाइज अभी मैं कायलाना लेक यानी कायलाना झील पे पहुंच चुका हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत बड़ी झील है। मैं सिद्धनाथ से यहाँ पैदल आया था बाई वॉक, सड़क से पैदल ही, किसी से मैंने लिफ्ट भी नहीं ली। वेल सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज कोई नहीं है और मतलब कोई भी पब्लिक नहीं है, कहीं भी दुकानें वगैरह यहाँ पे शॉप्स नहीं खुली हैं, क्योंकि यहाँ पे जोधपुर में 2-3 दिनों से और भी आगे बढ़ेगा कर्फ्यू लगा हुआ। तो आप देख सकते हैं यह कायलाना लेक, मैं यहाँ पे अकेला ही घूमने के लिए आया हूँ। काफ़ी सुंदर पैलेस है, ठंडी जगह है, यहाँ पे आप भी आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।